जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेमिंग था उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे IUPAC में, जैसे कि कॉमन नेमिंग पढ़े थे और IUPAC दोनों इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रखे हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जैसे कि कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आकर के जुड़ा हुआ हो तो उसका किस तरीके से हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन कार्बन का एक चेन है, इधर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर लगा हुआ है OOH। क्लियर है? आप चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड OO और H, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है, हम डायरेक्ट लिख दिए थे। क्लियर है? आपको क्या करना होता है, मेन चेन बनाना होता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा मेन चेन। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, यानी क्रियात्मक समूह भी है। ठीक है, COOH भी जुड़ा हुआ है। समस्या यह है कि किधर से गिना जाएगा इसको, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को? तो सबसे पहले हम लोग जो काउंट करेंगे वो करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, इसको सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। तो इधर से काउंट करेंगे, हो जाएगा 1, 2, 3, तीन कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉप। उसके बाद कहां पर है डबल बॉन्ड, सेकेंड वाले पोजिशन पे, तो हो जाएगा 2-ene। उसके बाद पहला वाला पोजीशन पे है एसिटिक एसिड, तो लिखेंगे 1 और इसके लिए लगाना होता है ओइक एसिड। क्लियर है? इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब 1 वाला पोजीशन को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से क्या हटा लीजिएगा ई, नाम हो जाएगा प्रॉप 2-ene 1 ओइक एसिड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए टोटल हमारे पास चार कार्बन का एक चेन है, यहां पर ओ और ओ एच लगा हुआ। क्लियर है? यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है लगा हुआ। अब आपको दिक्कत क्या है, आपको काउंट करना है कि किधर से डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। याद रखिएगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया जाता है। ठीक है, तब क्या होगा बताओ, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा और काउंट इधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे पड़ता है, इधर से दूसरे पे डबल बॉन्ड पड़ता है, तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को साथ में लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, टोटल हमारे पास चार कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारे पास ब्यूट। डबल वाले दूसरा वाले पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 3। उसके बाद लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए ENE। उसके बाद क्या होगा, तो आप देखो 1 पर क्या हो जाएगा बताओ, ओइक एसिड। 1 पर हो जाएगा ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? मान लो तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, टोटल हमारे पास चार कार्बन का चेन है, यहां पर डबल बॉन्ड ओ और एच लगा हुआ है, यहां पर भी डबल बॉन्ड ओ और एच लगा हुआ है। क्लियर है? अब समस्या ये है कि इधर से चलते हैं तो फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले नंबर पे, इधर से चलते हैं तो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा वो भी देख लीजिए और फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से चलते हैं, यहां देखिए इधर से चलते हैं, अगर इसका मेन चेन हम लोग बना दें तब क्या होगा बताइए, इधर से काउंट करें तो 1, 2, दूसरे पहला प्यारा फंक्शनल ग्रुप, दूसरा प्यारा डबल बॉन्ड। इधर से चल रहे हैं तो 1, 2, पहला प्यारा है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा पे डबल बॉन्ड, तो कहीं से भी गिन लेंगे हम लोग। चलो मान लो इधर से गिन लिया 1, 2, 3, 4, अब क्या होगा इसका नाम, चार कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। दूसरा नंबर पे क्या है बताओ, डबल बॉन्ड, तो 2-ene। उसके बाद पहला पे और चौथा पे है तो 1, 4, दो बार है एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, तो लिखेंगे दो बार के लिए डाई और इसके लिए लिखेंगे ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2-ene 1-4 डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? यदि चार कार्बन का चेन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे लगा दिया, सपोज करो चार कार्बन का चेन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और एच है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है। क्लियर है? तब क्या करना पड़ेगा, किधर से भी काउंट करो वो देख लो आप, टोटल चार कार्बन का एक चेन बन रहा है तो चार कार्बन का चेन बना लिए, गिनती उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप का स्थान पास, इधर से करो आप 1, 2, 3, 4, देखो पहला नंबर पे आ गया है क्रियात्मक समूह, दूसरा पे आ गया है ट्रिपल बॉन्ड, फिर 3 और 4, इधर से आप काउंट करते हो तो 1, 2,
दूसरा पे 3 और 4, मतलब कहीं से भी गिनेंगे तो बराबर पड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों सही है। क्लियर, आप कहीं से लिख लो। चलो मैं इधर से लिख लेता हूँ, 4 कार्बन का चेन है तो रूट वन हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद दूसरा पे क्या हो जाएगा 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है वाई, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो वाई यानी, तो हो जाएगा ब्यूट 2। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई यानी लगा दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, पहला पे नजर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप और चौथे पे, तो हो जाएगा 1.4 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया डाइओइक एसिड, इस तरीके से हो गया। मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से कार्बन का चेन, हाइड्रोजन आप खुद से लगा सकते हो, उम्मीद है आप लोग लगा लीजिएगा। क्लियर है, इससे पिछले वीडियो में हम लोग करा रखे थे। तो मान लो हमारे पास टोटल, जरूरी नहीं है कि 4 कार्बन का हो, ये आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो 5 कार्बन का चेन हो, ठीक है, और इस जगह पे मान लो यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और इस जगह पर है मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और डबल बॉन्ड मान लो कि यहाँ पर भी है, दो जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे 2, 3, 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 और 1, 3, एक बचा हुआ है, यहाँ पे 2, 2, 4 हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1, 3, तो एक यहाँ पे बचा हुआ है। क्लियर है, चलिए इसका हम लोग जब मेन चेन बनाएंगे तो ये हमारा मेन चेन हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप करेंगे तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इधर से काउंट करेंगे तो भी दूसरा और तीसरे पे, इधर से काउंट करेंगे तो भी दूसरा और तीसरे पे डबल बॉन्ड, और पहला पे फंक्शनल ग्रुप है, तो कहीं से भी गिन लेते हैं। तो इधर से गिने 1, 2, दूसरा पे आ रहा है 3, तीसरा पे आ रहा है 4 और 5, इधर से गिनिए 1 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 4 और उसके बाद 5, कहीं से भी गिनेंगे तो बराबर ही आएगा। तब क्या होगा बताइए, 5 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा पेंट, उसके बाद 2 बार डबल बॉन्ड है, तब क्या होगा दूसरा और तीसरा पे है, तो हो जाएगा 2, 3, और 2 बार डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और 2 बार है तो क्या लगाएंगे डाई, डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो नाम हो गया पेंट 2, 3 डाई इन। उसके बाद कहाँ कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले पे और 5वें नंबर पे है, तो लिखेंगे 1.5, उसके बाद लिखेंगे डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन वाला देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसको अभी हम पढ़ा दिए हैं, और हुआ क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ना, इसमें इस तरह का लाइन आपको दिखेगा, ठीक है। तो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इस जगह पे कार्बन होगा, और जहां पे ये दोनों आपस में मिला हुआ है, ये भी कार्बन का एक पॉइंट है। क्लियर है, तब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप इसको देखो कि 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कार्बन का चेन है, और यहाँ पर सब ये वाला पॉइंट किसका है, कार्बन का है। तो यहाँ पर देखो आप 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कार्बन का चेन है, तब क्या होगा यहाँ पे बताइए ब्यूट, उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ANE, हालांकि यहाँ पे भी भावेल है, यहाँ पे भावेल है, तो ये वाला E को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ब्यूट, उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1 वाला पोजीशन पे है ओइक एसिड, तो 1 पे हो जाएगा ओइक एसिड। क्लियर है, इस वाले में देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कार्बन का चेन है, इधर से ही काउंट करेंगे चूंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से ही है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा वैल्यू देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ 1, 2 दूसरा पे आ गया है डबल बॉन्ड। क्लियर है, 4 कार्बन के चेन के लिए ब्यूट, दूसरा पे है डबल बॉन्ड तो 2, डबल बॉन्ड के लिए ENE, उसके बाद 1 वाले पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पे हो जाएगा ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन का चेन है तो रूट हो गया पेंट, सब में आप देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ANE, उसके बाद 2 बार फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा 1.5 पहला और पांचवा पे, तो 1, 5 2 बार है तो डाई, अ फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन का चेन बना है, इधर से चल रहे हैं तो 3rd वाले पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 4 वाले पोजीशन पे भी क्या है डबल बॉन्ड है,
तो छह कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड है कि सिंगल, डबल है तीसरा और चौथा पे, तो 3.4 दो बार डबल बॉन्ड के लिए डाइईन, उसके बाद वन पे है फंक्शनल ग्रुप तो वन, उसके बाद हो जाएगा ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3-4 डाइईन 1 ओइक एसिड। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन है, ये आप लोग जो है इसको घर से करके लाइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इसका आईओपीएससी नेमिंग क्या होगा। क्लियर है, तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कृपा कर, इतनी देर से यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्लियर है, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स वाला रह गया है, प्रतिस्थापक वाला, उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। क्लियर है, तब तक के लिए जय हिंद।